आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोला गया है हमसे कि अंतराकाशी यौगिकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो, पहला बोला गया है ये अपनी धात्विक चालकता का को बनाए रखते हैं, ये को है यहाँ पे, को बनाए रखते हैं। दूसरा बोला गया ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। थर्ड बोला गया ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं। फोर्थ बोला गया ये शुद्ध धातु की अपेक्षा उच्च गलनांक दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतराकाशीय यौगिक होता क्या है। तो देखो, ये क्या होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके धातु क्रिस्टलीय जो होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, बहुत कम जगह होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ जगह खाली स्थान रह जाता है, तो वो जो कहलाता है वो हमारा निबिड क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, वो जो निबिड क्रिस्टल होता है यानी वो जो रिक्त स्थान होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, वो हमारा अंतराकाश कहलाता है। ठीक है, और वहां पर जो हमारे अधातु परमाणु प्रवेश करते हैं वो हमारे अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अंतराकाशीय यौगिक क्या होता है। देखो, ठोस पदार्थों के जो धातु क्रिस्टल होते हैं, ये देखो, ये मैंने आप बनाया, ये धातु क्रिस्टल है। ठीक है, इनके बीच क्या होती है, बहुत कम जगह होती है, लेकिन ये क्या होती है, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान रह जाता है। ठीक है, यानी कि देखो, यहाँ पर इसके बीच में रिक्त स्थान रह गया है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हमारा कहलाता है निबिड क्रिस्टल, यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है, निबिड क्रिस्टल कहलाता है या फिर रिक्त स्थान कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो रिक्त स्थान है ये हमारे अंतराकाश कहलाते हैं। ठीक है, और इन अंतराकाशों में क्या होता है, जो हमारे अधातु परमाणु है वो प्रवेश कर जाते हैं। अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर बोरोन। ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनमें प्रवेश कर जाते हैं, तो ये जो यौगिक कहलाते हैं हमारे, ये हमारे ये अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इनके गुण क्या क्या होते हैं। देखो, ये जो इनके गुण होते हैं ये कैसे होते हैं, सख्त होते हैं, ये कठोर होते हैं, इनका जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जो अपनी धात्विक चालकता है उसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, हमारे ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है कि ये अपनी धात्विक चालकता को बनाए रखते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, गुणों में कि हाँ ये अपनी धात्विक चालकता को बनाए रखते हैं, तो ये हमारा राइट है। दूसरा बोलते हैं ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, जबकि ये गलत है, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ये शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं, तो हाँ ये अधिक कठोर होते हैं। और इसमें बोला गया है ये शुद्ध धातु की अपेक्षा उच्च गलनांक दर्शाते, तो हाँ इनका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, तो ये हमारे राइट है तीनों ऑप्शन, और ये हमारा मतलब ये सत्य है सारे, और ये असत्य है। और क्वेश्चन नाम से क्या बोला है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट प्रदर्शित कर रहा है। तो जो हमारा ये है सेकंड वाला, ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा ये वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि हम लगाएंगे सेकंड ऑप्शन हमारे ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि रासायनिक रूप से सक्रिय हो निष्क्रिय होते हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।